ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में उसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी हमारा वो मार्केट वैल्यू है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हमारे ही कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक ही साल के अंदर, उसको जीडीपी कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटोरी, जो हमारे देश के अंदर ही जो गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं ड्यूरिंग ऑफ अ कंट्री, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर, उसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है वो कैसे निकालते हैं, उसको सिंबॉलिकली देखेंगे। जीडीपी, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ देयर प्राइस एंड सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, वेयर पी रिफर्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्यू रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी इंक्लूड्स ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। जीडीपी जो हमारा है, जो हमारी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जो भी हमारी गुड्स हैं, सामान हैं, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टली यूजर्स के लिए, उनसे कोई कोई दूसरा प्रोडक्ट हम बना नहीं सकते। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारा वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस किया जाता है दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए। द टर्म ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर फाइनल यूज, वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स प्रोड्यूस बाई वन फ्रेम विच आर यूज इन अ फर्दर प्रोसेसिंग बाई अनदर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, मतलब उससे दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत होती है। या माना कि जो हमारा फाइनल गुड्स है वो डायरेक्टली यूजेज में आता है बाय द कंजप्शन, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली हमारे फाइनल गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मैदा क्या है कि हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, वो ब्रेड बनाने के काम आता है। लेकिन जो ब्रेड है, ब्रेड इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज़ यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। ब्रेड जो हमारा है वो फाइनल गुड्स है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ना कि हम उससे कोई और प्रोडक्ट। सम फीचर ऑफ जीडीपी, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम फीचर ऑफ जीडीपी। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। जीडीपी जो हमारा है वो पैसे का वैल्यू है, जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो हमारे एक ही देश के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जीडीपी इंक्लूड्स मनी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। जीडीपी जो हमारा है वो एक ही साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए सारे गुड्स सर्विसेज को द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो मूल्य भाव है हमारे फाइनल गुड्स का एंड सर्विसेज का, इज कैलकुलेटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस।
उसको कैलकुलेट किया जाता, जीडीपी हमारा कैलकुलेट किया जाता है अभी के जो हमारे भाव चल रहे हैं, जो मूल्य है प्रोडक्ट्स का, जितने में वो सेल हो रहा है, उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स विच हैव मार्केट वैल्यू एंड ब्रॉट इन द मार्केट फॉर सेल। जीडीपी है हमारा उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जो जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसको लाया जाता है बाजार में बेचने के लिए। ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी बिकॉज दिस पेमेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी वे टू प्रोड्यूस। जो हमारा पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, वो जीडीपी इंक्लूड नहीं करता क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रोडक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है। ये दो चीज़ें हमारे प्रोडक्शन के काम में नहीं आती हैं। जीडीपी डजंट इंक्लूड्स कैपिटल गेन। जो हमारा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें कोई फायदा होता है तो वो जीडीपी इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो प्रोडक्शन के काम में नहीं आया ना, इसीलिए। अगला हमारा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर बाय डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेस और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP हमारा जो है वो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है जिसमें अपनी ही लोकल रिसोर्सेस, जो हमारी खुद की अपनी कंट्री की जो भी रिसोर्सेस हैं उनको ही यूज़ करके, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, जो भी इन सारी चीज़ें हैं, इन सभी को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो एक साल में, एक साल के अंदर उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। GNP इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन GDP बिकॉज इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GNP हमारा है वो बॉर्डर कॉन्सेप्ट है जिसमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह वगैरह आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो अब्रॉड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अब्रॉड फॉरिजन सेल के लिए जो जाते हैं उनसे जो इनकम होती है वो भी वो हमारा GNP इंक्लूड करता है। GNP उसी को कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम फॉरिजन कंट्रीज एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरिजनर फ्रॉम आवर कंट्री। मतलब जो हमारा इनकम है और जो हमारा अर्निंग है वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर ऑफ इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम फॉरिजन, जो हमारी कमाई है जो हम बाहर के प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचते हैं उनसे इनकम, GNP इज कैलकुलेटेड बाय GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFI कैलकुलेटेड इनकम अर्नड बाय आवर कंट्री सिटीजन फ्रॉम फॉरिजन कंट्रीज एंड माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरिजन सिटीजन फ्रॉम आवर कंट्री। NFI निकालने का तरीका ये है कि मतलब जो भी
हमारे देश के नागरिक हैं वो बाहर के देशों से जो कमाते हैं वो उसमें से जो बाहर के देशों हमारे देश देश में आकर के जो कमाते हैं उसको घटाने पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। सम फीचर ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर इट इज कैलकुलेटेड इन अ मॉनेटरी टर्म। इट इज कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म, ये कैलकुलेट किया जाता है पैसे के बेसिस पे। इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीएनपी जो हमारा है वो सेम एज अस एकदम जीडीपी की तरह ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है। द इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करता है। इट डजंट इंक्लूड द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स। इट इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाई रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ कंट्री एंड अब्रॉड। जीएनपी हमारा इंक्लूड करता है वो अर्निंग को जो हमारे सिटीजन्स अपने देशों में जो कमाते हैं और बाहर के देशों में जो कमाते हैं, उन दोनों इनकम्स को जीएनपी इंक्लूड करता है। इट डजंट इंक्लूड कैपिटल गेन्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। जीएनपी जो हमारा है वो कैपिटल गेन्स को इंक्लूड नहीं करता और जो पेमेंट्स रहते हैं जिनका कोई प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है उन चीज़ों उन पेमेंट्स को जीएनपी हमारा इंक्लूड नहीं करता है। इट इंक्लूड्स ओनली द गुड्स विच हैव मार्केट वैल्यू एंड ब्रॉड इन द मार्केट फॉर सेल। ये ऐसे प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है, ऐसे गुड्स को इंक्लूड करता है जिसकी मार्केट वैल्यू है और इसलिए लाया जाता है सिर्फ और सिर्फ और बेचने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पर कैपिटल इनकम, पीसीआई। पर कैपिटल इनकम इज डिफाइंड एज द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। इट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर। पर कैपिटल इनकम हमारा एक एवरेज अर्निंग है जिसमें ये एक पर्टिकुलर एक ही जगह के एक ही साल में एक आदमी का एक व्यक्ति का उसकी इनकम क्या है वो दिखाने के लिए पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। अब पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल नेशनल इनकम होना चाहिए कि मतलब पूरी देश की कमाई कितनी है और टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटल इनकम इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉमनली यूज इंटरनेशनल करेंसी, यूजली यूएस डॉलर। जो हमारा पर कैपिटल इनकम है वो इंटरनेशनल करेंसी में दिखाया जाता है, ज़्यादातर उसको यूएस डॉलर में दिखाया जाता है। पर कैपिटल इनकम इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम जीडीपी एंड जीएनपी। हमारा पर कैपिटल इनकम है वो जीडीपी से भी कैलकुलेट किया जाता है और जीएनपी से भी। अगर हमारा पर कैपिटल इनकम अगर जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है जीडीपी पर कैपिटल इनकम, और जीएनपी से अगर कैलकुलेट किया जाता है तो उसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। अगर जीडीपी से है तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें जीडीपी ऑफ 2018 बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2018। जीएनपी से किया जाता है तो जीएनपी ऑफ 2018 एंड पॉपुलेशन ऑफ 2000। इम्पोर्टेंस ऑफ पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम इज द मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री।
पर कैपिटल इनकम ये दिखाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, मतलब हाउ द पीपल आर लिविंग, हाउ द पीपल आर गेटिंग सक्सेस. इट शोज द सक्सेस ऑफ द पीपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हाउ द पीपल मतलब ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है वो कैसे उनका दैनिकी जीवन है, उनकी सफलता क्या है. पर कैपिटल इनकम वो चीज़ दिखाता है. इट इज़ यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये भी दिखाता है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है. इट इज़ यूजफुल इन द इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड. पर कैपिटल इनकम हमारा इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि बाकी कंट्री से हम कंपेयर कर सकें कि उनके मुकाबले हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उनसे बेहतर है या उनसे कम है. इट इज यूज इन अ पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग. जो हमारा पर कैपिटल इनकम है वो पॉलिसी बनाने के काम आता है, डेवलपमेंट प्लानिंग बनाने के काम आता है कि कैसे विकास करें, कैसे नए नए नियम, नए नए पॉलिसीज निकालें. इट इज़ यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर एलोकेटिंग इकोनॉमिक एड टू द डेवलप. जो कंट्री विकसित हो चुके हैं उनके इकोनॉमिक एलोकेटिंग में काम आता है, जिससे जो कंट्रीज अंडर डेवलपिंग हैं उनको भी डेवलप किया जा सके.